8 inches guys, 8 inches. Actually टीचर का और मेरा बहुत ही मन था, हम लोग बहुत सारे होटल्स में गए थे जहाँ पे देखा कि बहुत बड़े बहुत मोटे, मतलब 8-9 inches, 8-10 inches का मैट्रेस था. तो हमने सोचा था कि जब भी हम लोग लेंगे, हम लोग वी वॉन्ट एटलीस्ट 8 inches टू 12 inches ऐसे. तो 12 inches तो बहुत सारा मोटा हो जाता है, बट 8 inches इट्स लाइक ऑसम. तो गाइस फाइनली हमारा रूम सफाई हो चुका है, रूम का डीप क्लीनिंग हो चुका है और पीछे आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रेस है उसका अनबॉक्सिंग के लिए हम लोग बेताब है बहुत ज्यादा. What is doing? कितना अमीर लग रहे हो तुम, पता है इसने रूम में मेरे आइडिया से. अमीरी हूँ बस तुम्हारे साथ रह रहे के पता नहीं क्यों, बट ये गरीबी का वो ना मेरे ऊपर से, मतलब मेरे सर के ऊपर एक गरीबी का बादल हमेशा मंडराता रहता है. Hey guys, welcome back to another video and welcome back to our channel. तो आज हम लोग यहाँ पे पैकिंग वैकिंग करके रेडी हो चुके हैं. ये रहा रोहित. मैं गया था थोड़ा सा बैंक के काम के लिए रोहित की मम्मी के संग. वो लोग अभी उस जो हम लोग का फ्लैट है वहाँ पे है, थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं. और मैं यहाँ पे आ गया था क्योंकि इसके लिए मुझे खाना बनाना था. सो मैं यहाँ पे अभी, यहाँ पे अनियन फ्राई हो रहा है, यहाँ पे चिकन है, राइस मैं अभी बना लूंगा ताकि सब कोई खा ले. इतना ही है, जस्ट अभी आया हूँ मैं और आते ही मैंने चेंज वेंज करके खाना बनाने लग गया. सो गाइस एक्चुअली मुझे कल रात से थोड़ा फीवर लग रहा था, तो मैंने पीटर को बोला कि चलो तो डॉक्टर के पास चलते हैं. सोते सोते उठा के लेके आया गया है. सो गाइस एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट था 6 बजे और हमने कैब बुक किया था, बट वो कैब आने में दिखा रहा था ऑलमोस्ट 18 मिनट. तो हमने सोचा कि 18 मिनट्स में तो हमारा मिस हो जाएगा, तो हम पैदल चल के रोड तक आए. उसके बाद ऑटो पकड़ के हम पहुंच गए अपोलो क्लिनिक. गाइस ऊपर बैठ के हम वेट कर रहे थे और टीवी पे चल रहा था कुछ फूड ब्लॉगर का वीडियोस, तो वो हम देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे. 24 hours later. So, hey guys, good morning. I mean, good afternoon. So guys, हम लोग फाइनली निकलने वाले हैं और ये नाना नाना बोल रहे, क्या वो नाना क्यों बोल रहे थे, ये कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे. ओके गाइस, तो हम लोग कल डॉक्टर दिखाने के लिए गए थे और आज नेक्स्ट डे है. और अभी तुम्हारा कैसा है सब कुछ, तुम किस लिए गए थे डॉक्टर के पास? वो बुखार था, हल्का हल्का फीवर था, इसलिए गए थे तुम. एनीवेज गाइस, हम लोग यहाँ पे, मैं मेरा कॉफी मग और कॉफी बनाने का जो मेन सामान है वो मैं ले चुका हूँ. एंड ये अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है कुछ ऑफिस का. हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अपने कैब के लिए वेट कर रहे हैं. तो फिर हम लोग निकलेंगे एंड ये सब सामान भी लेके जाना है. लेट्स सी कैब में आता है कि नहीं आता है. चलिए मिलते हैं आप लोगों से. तो गाइस हम लिटरली बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि इतना सारा सामान था वो कैब में आएगा कि नहीं, और आएगा भी तो बहुत सारे कैब ड्राइवर रिजेक्ट कर देते लेने के लिए. थैंक गॉड पीटर ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और उसने सारा सामान को देखिए बैक साइड में कैसे फिट कर लिया. Hours later. Hey guys, तो पहुंच चुके हैं रूम पे और बहुत सारा सामान था. ये रहा, बहुत सारा सामान है यहाँ पे. और ये देखो, ये है मम्मी ने बनाया है. ये हमने सोचा कि रूम जबकि छोटा है तो हम लोग कहाँ पे मतलब लंच डिनर करेंगे. तो मैंने मम्मी को बोला कि हम तो ऐसा कुछ बना सकते हैं जो पोर्टेबल हो, जो फिर कोलैप्स हो जाए. तो उन्होंने फिर ये बनाया और मुझे बहुत पसंद आया ये काफी. तो अभी हम लोग इस पे ही हम लोग खाना पीना करेंगे. और पीटर अभी गया है कुछ सामान वो और भी बाकी है तो दुकान से लाने गया है. तो तब तक मैं थोड़ा इधर उधर सेटल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं. तो गाइस पीटर आ चुका है और ये अभी झाड़ू दे रहा है और मैं अभी ये सब सारे सामान इस अलमीरा के अंदर डाल रहा हूँ. तो ये सब हो जाने के बाद फिर हम लोग बेड को सेटल करेंगे, उसके बाद सारा कुछ. और यहाँ पे हमारा नया मैट्रेस, और ये हमारा नया मैट्रेस, इसको लगाएंगे हम लोग, दिखाएंगे आप लोग उसके बाद. तो गाइस यहाँ पे हम तो सारे कपड़े सेटल कर रहे थे, जो घर पे पहनने वाले कपड़े है उसको अलग रख रहे थे और जो बाहर पहनने वाले कपड़े है उसको अलग कर रहे थे ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए और जगह भी हमारे पास कम है और ये कंपार्टमेंट में हमें सब डालना है, इसलिए हम पूरे सेटल करके डाल रहे थे ताकि इधर उधर मिक्स ना हो. पहले कर लेते गाइस, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. और गाइस ये रहा मेरा प्लांट, ये रहा मेरा स्नेक प्लांट जो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में. और भी थोड़े बहुत प्लांट शायद लगेंगे इस रूम में. आप लोग सजेस्ट करो हम लोग कौन कौन से प्लांट यू नो इंडोर में रख सकते हैं. मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शन है, देखते हैं कि अगर मैच करता है वो ऑप्शंस आप लोगों के साथ तो फिर हम लोग वही करेंगे कि वही प्लांट हम लोग ट्राई करेंगे लाने के लिए घर पे. गाइस अभी यहाँ पे पीटर घर की डीप क्लीनिंग कर रहा है क्योंकि जब से हमने ये फ्लोर लगवाया है तब से हमने घर को पोछा नहीं लगाया था क्योंकि हम लोग डर रहे थे कि ये उखड़ ना जाए, बट फाइनली हम लोग आज कर रहे हैं. तो गाइस फाइनली हमारा रूम सफाई हो चुका है, रूम का डीप क्लीनिंग हो चुका है और पीछे आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रेस है उसका अनबॉक्सिंग के लिए हम लोग बेताब है बहुत ज्यादा. What is doing? बहुत ज्यादा बेताब है गाइस. तो ये रहा, इसके ऊपर तुम बैठ नहीं पाओगे, जस्ट लेट इट बी. नहीं नहीं नहीं, चलो आ जाओ, इसको बिछाओ जल्दी से. आई एम डाइंग टू सी दिस, लाइक कैसा आया है, कैसा है. अच्छा इसको अच्छे से अनपैक करना ताकि ये फिर वापस जा पी पाए अंदर. यस यस, ये वापस मंदिर नहीं जा सकते.
तो फिर अगर रिटर्न करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? ये वैक्यूम करके इसको निकाला गया है। ओह गॉश, तो गाइस देख सकते हो ये ईटा बोरा के तरह साइड से नहीं खुलता है कहीं से ये? नहीं, इसे कैसे निकाले? पता नहीं मुझे। हाँ गाइस, ओके वेट गाइस एक सेकेंड। यस, आ जाओ आ जाओ। नीचे से इतना तुम्हारा इतना सा नहीं दिख रहा है बस। ठीक है, पकड़ो इसे सर। गाइस चलिए। इज इट वर्किंग? वेट, नो ये ऐसे नहीं निकलेगा। आई थिंक वी हैव टू कट दिस लाइक इन। ऐसे खोल दूं इसको भी? हाँ, तो इस साइड से निकालो ना, ज्यादा इजी निकलेगा। हाँ, इस साइड से ज्यादा इजी निकलेगा आई थिंक। अगर इस साइड से तुम इसको खोल पाओगे तो शायद ज्यादा इजीली निकल जाए। आई रियली डोंट नो, ये पहला बार कर रहे गाइस हम। ये मैट्रेस फर्स्ट टाइम है, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लिया इसको। खोलने का कोशिश और घर कम गंदा हो। पकड़ दो, इधर से खींच के निकालते हैं इसको। एक सेकंड, रुको 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 रुको, इसको ऐसे करके। ओके, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये तो बहुत मुश्किल भरा है काम। एक साइड से निकल रहा है लेकिन एक साइड से नहीं निकल रहा है। हाँ, ये एक साइड से हो चुका है, अब उस साइड को भी। एक बार निकल जाने से ये रोल आउट हो जाएगा पूरा। ये इसको, इनको डाला किस कैसे इसको? वैक्यूम करके। हाँ हाँ, वैक्यूम करके डाला है। ओह, मेरी उंगलियां टूट जाएंगी। फीट दिखा के ब्लॉगिंग नहीं, फीट दिखा के ब्लॉगिंग नहीं, पीछे से नहीं हो पा रहा है। एक साइड से निकालेंगे। अरे व्हाट साउंड यू आर मेकिंग? हो रहा है क्या? नहीं, काट देंगे इसको। काट दे, काटे थोड़ा सा काटो, देखो ऊपर से काटना पड़ेगा इसको। देखो यहाँ से अगर हम लोग, मैंने उंगली काट दिया था पीछे, कर सकते हैं। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, रुको 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 रुको। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो जो है ही नहीं। तुम उधर से खींचो, मैं इधर से खींचता हूँ। रुक जाओ ना, तुम उधर से खींचो ना। देखो अभी आराम से नीचे आ सकता है। हाँ यस, अब इसको लेटा दो, अब इसको लेटा दो, अब उल्टा कर दो। एक और है अभी इसके अंदर प्लास्टिक। Approximately 10 hours later. ये हाइट में मुझे छोटा लग रहा है ऐसे लंबाई में गाइस। कहीं से तो लीक कर रहा है, हवा निकल रहा बाहर। तो गाइस ये लग चुका है और ये ऐसे दिख रहा है। अब बताइए कैसा लग रहा है ये बेड? काफी अच्छा है। और ये मैट्रेस, इट्स 8 inches, 8 inches गाइस, 8 inches। एक्चुअली पीटर का और मेरा बहुत ही मन था, हम लोग बहुत सारे होटल्स में गए थे जहाँ पे देखा कि बहुत बड़े बहुत मोटे, मतलब 8-9 inches, 8-10 inches का मैट्रेस था। तो बहुत ज्यादा ऊंचा था ना, स्लीप में भी बहुत ज्यादा इजी होता, मतलब सोने में भी अच्छा लगता है। और बैठो बैठो बैठो। तो हमने सोचा था कि जब भी हम लोग लेंगे मैट्रेस, हम लोग रूम लेंगे, तो हम लोग वी वांट एटलीस्ट 8 inches to 12 inches ऐसे। तो 12 inches तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, बट 8 inches इट्स लाइक ऑसम। तो गाइस बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, हम लोग थोड़ा फ्रेश होंगे और मेरा फोन का मेमोरी भी फुल हो चुका है, थोड़ा खाली करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं आपके पास। गाइस जाते जाते पीटर ने जितनी मेहनत की थी साफ सफाई करने में, झाड़ू देने में, पोछा लगाने में, सब फिर से गंदा हो गया मैट्रेस खोलने के बाद। तभी फिर से जा रहा है फिर से करने के लिए। ठीक है करो, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस यस, आई नो तुमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, करना तो तुमको है। आई नो। एनीवेज तुम इसको थोड़ा सा हटा दो, मैं फिर से एक बार झाड़ू लगा देता हूं। हां, इसको हटा कहां रखूं मैं? पता नहीं, बट जस्ट इसको फेंक देते हैं, इसको रख देते हैं। तभी अगर तुम्हारा मर्डर करने का मन हुआ तो तुमको इसमें अंदर डाल के फेंक सकते। सो गाइस शाम हो चुका है, ये रहा बाहर, और पीटर गया था कुछ खाना ऑर्डर किया है। इतना सा खाना ऑर्डर किया तुमने? मैंने नहीं किया, मतलब यही तो तुम खाते हो। ये सिर्फ मेरे लिए है? yes, तुम्हारे लिए नहीं है ना? नो नो, ठीक है, सिर्फ मैं अकेले खाऊंगा ना। यस yes, यस yes. तुम इसमें से हक नहीं जमाओगे ना? नो नो, ऑसम। इसको गुलाबो, ये पता नहीं गाइस कहाँ से इसको मिला ये गुलाबो इसका। ये हमारे पास 4 बॉटल हो चुके, इस बॉटल से हम लोग कुछ DIY बना लेंगे। आई डोंट नो, बट यहीं पे कहीं पे था शायद एक और बॉटल था। हाँ, वो किचन में रखा हुआ है, अभी नहीं दिख रहा इसको। और इस पता नहीं क्या इसको, मतलब भूत चढ़ा इस चीज का। ए, आज ये तुमने ऑर्डर किया है, बट तुमको पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तो क्या शाम हो चुका था, बहुत भूख लगा था, इसलिए कुछ खाना ऑर्डर किया। बेड पे क्यों रख रहे हो, तेल लग जाएगा। तो खाना ऑर्डर किया है? हाँ, मतलब वो जो बर्गर में जो तेल होता है। नो डूड, इट्स ड्राई, कम ऑन। ओके एनीवे, तो हम लोग अभी वो, मैं काम करते करते कुछ भूख लगा था, लंच नहीं किया था मैंने, मुझे लंच नहीं दिया क्या आज? गाइस यहाँ पे आने की खुशी में या एक्साइटमेंट में ये लंच नहीं किया, बोला कि जल्दी चलो मैट्रेस आने वाला है नया, मुझे देखना है
मैं खाया खाना मैंने लंच किया, इसको बोला कि लंच कर लो, ये नहीं किया कि मुझे आना है। एनीवेज ये रहा तुम्हारा सैनिटाइजर, सैनिटाइज योर हैंड फर्स्ट, देन बर्गर खाओ या ये खाओ गुलाबो पियो, ऑल योर्स। पहले वो मुझे खोल के दो गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो कैसे खोल के दू मैं? लास्ट टाइम तुमने जैसे खोला था दांत से, बस दांत टूट ना जाए, टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, नकली लगा देंगे। देखो हिला दिया इसको, बस दांत टूट जाए, प्रे करो गाइस, प्रे कि इसका दांत टूट जाए। दांत नहीं टूटा, थैंक यू, चीयर्स। ठीक है चलिए गाइस खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। लेकिन इतने से खाने में से मेरा क्या होगा पीटर? अब इसके अंदर है कुछ, खा जाओ और क्या। ठीक है देखो बहुत कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारे लिए फ्राइज है, सम आई डोंट नो कुछ तुम जो खाते हो वही फ्राइज है, एंड यहाँ पे कुछ मटन बिहारी गोश्त। प्लेट लेके आओगे क्या प्लीज? यस यस, मैंने ऑर्डर किया था बिहारी मटन गोश्त। मैंने ऑर्डर किया है, तुमने ऑर्डर नहीं किया है। तुमने ऑर्डर किया, लेकिन किया था, लेकिन मेरा फेवरेट है। ये रहा बिहारी गोश्त, बिहारी मटन गोश्त बर्गर, और यहाँ ये मेरा फ्रेंड फेवरेट फ्रेंच फ्राइज है, जो कि थोड़ा स्पाइसी भी, लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी कम लग रहा है मुझे, इसने शायद सॉल्टेड किया है। चलो खा लेते उसको। मैं तुमको पूछा तुम खाओ, मुझे नहीं खाना है, मतलब मैं खा लेता हूं। मुझे कॉफी चाहिए गाइस, और ये वायर कहां से आ रहा है, ये चार्ज में है क्या फोन? वेट लेट मी डिसकनेक्ट इट फर्स्ट। ओके गाइस फिर से शॉट लेते हैं। तो मुझे कॉफी चाहिए, और यहाँ पे मिल्क नहीं है क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, सो दैट्स व्हाई नया क्या है इसमें, नथिंग गाइस। अभी भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, हो गया क्या? नहीं अभी भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। चलिए गाइस मैं फोन को रखता हूँ क्योंकि इसी फोन से होने वाला है वो चीज, वो सब काम इसी फोन से होने वाला है। सो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा देर बाद, बाय। 1 लाख नहीं होता तो पीटर का आईफोन भी दूसरा नहीं आ सकता ना, डबल फोन हमारे पास नहीं हो सकता। प्लीज गाइस कर दो, किस चीज का वेट कर रहे हो? 1 करोड़ फॉलोअर तो 1 करोड़ अब कास्ट ज्यादा नहीं मांग लिया, 1 लाख कर दो गाइस। मांगने के बाद मैंने भी रियलाइज किया। चलो चलो तुम खाओ इसको अभी, बर्गर में केचप देके खाओ, और फिर खा पी के ऐश करो, वीडियो एडिट करो जल्दी से। इज इट टेस्टी? खाओ तुमने लंच में क्या? उसे हाथ नहीं उसे मुंह पोंछते हैं। हाँ लेकिन बेड पे सैनिटाइजर गिर गया। गॉश क्यों हो तुम ऐसे? मैट्रेस अच्छा है, मैट्रेस तो अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। कंटेंट दो, कंटेंट दो, क्या कर रहे हो तुम? कंटेंट नहीं, आपकी एनर्जी आएगा फिर कंटेंट दूंगा। ठीक है चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय। Just then. तो गाइस हम लोग तो यहाँ पे कुछ ग्रोसरीज नहीं है, तभी हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरीज लेने के लिए, और पता नहीं कहाँ जाएंगे यहाँ पे आसपास, हमें कुछ उतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या मुझे हमें मिलेगा। तो हम लोग बाहर निकलेंगे पहले, उसके बाद ढूंढेंगे हम लोग गूगल करके, उसके बाद वहाँ जाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। कितना अमीर लग रहे हो तुम, पता है इसने रूम में मेरे आइडिया बस तुम्हारे साथ रह रहे के पता नहीं क्यों, बट ये गरीबी का वो ना मेरे ऊपर से, मतलब मेरे सर के ऊपर एक गरीबी का बादल हमेशा मंडराता रहता है। मैंने तुम्हें बस सेविंग सिखाया, सेविंग। गाइस ये रहा हमारा, ये रहा हमारा यूट्यूब से मिला हुआ टोपी। ये हमें यूट्यूब से मिला था, यूट्यूब ने हमें टोपी पहनाया था। टोपी पहनाया था, अच्छा ना? यूट्यूब ने हमें टोपी पहनाया था। क्या है मेरे पैर के नीचे? ऐसा लगा कुछ जैसे कीड़ा जैसे मेरे पैर के नीचे से गया। गाइस हम बहुत घूमे लेकिन हमें तक कुछ नहीं मिला। मैं तो बोल रहा हूँ कि इंस्टामार्ट कर लो या ज़ेप्टो कुछ भी कर लो। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि फाइनली क्या वही करें एक बार लास्ट। हम लोग सामने एक स्पेंसर का खबर मिला है कि सामने एक स्पेंसर है, उसको एक बार जाके देखते हैं फिर डिसाइड करेंगे। ये गूगल मैप चलाते चलाते कहाँ चला देता है, नहीं कहीं भी चले जाओ मतलब पैदल पैदल। गाइस देखो इसको, ये तो महल है पूरा, यहाँ पे तो क्राउड लग गया है जाने के लिए अंदर। यूट्यूब में 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो चलेंगे अभी। बाबा 1 लाख सब्सक्राइबर, उसके बाद सब कुछ, एसी भी आएगा 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद, आईफोन भी आएगा 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद, इसके अंदर बुफे खाने भी जाएंगे तब भी 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद। हाँ, सेलिब्रेट करने हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं फिर। गाइस 1 लाख कर दो, देखते हैं ये क्या करता है, देखते हैं इसमें कितना इसका मतलब वो कितने पानी में है, देखते हैं। कर दो 1 लाख जल्दी से, पता नहीं कब मैं जा पाऊंगा इसके अंदर, कितना लग्जरी है ये। गाइस हमारे साथ स्कैम हो गया, हमने जहाँ पे सोचा था कि स्पेंसर है हमने देखा भी था पहले, लेकिन वो अब बदल के उसमें पिज्जा हट बन चुका है, और हमारा यहाँ तक आना पूरा बेकार हो चुका है। पता नहीं ये कब हुआ, पर ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, अब हम क्या करेंगे। हे गाइस तो हम घर आ चुके हैं, आप लोगों जैसे दिखाया हमने कि हम लोगों को कुछ नहीं मिला, ग्रोसरी हम आज नहीं कर पाए, तो शायद कल करेंगे या फिर पता नहीं क्या करेंगे, बट हम लोग घर आ चुके हैं, नहाया धोया फ्रेश हुआ, आने के टाइम में हम लोग टेस्टी टेस्टी खाना लेके आए, हम लोग अभी खाएंगे, और इसके साथ यहाँ पे देखा देखा चिकन, चिकन भी है, चिकन भी है। तो हम लोग ये डिनर करेंगे अभी, और उसके बाद हम लोग डिनर करते करते एक मूवी देखने वाले हैं, कुछ एक हॉरर मूवी आया है बहुत अच्छा, हमने सुना है बहुत रिव्यू, तो हम वो हॉरर मूवी देखने वाले हैं। ठीक है तो फिर कल सुबह आप लोगों से मिलते हैं, चलते हैं, बाय, गुड नाइट।